हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए हैं चैप्टर, तो वही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई, कमेंट आई कि सर जो पिछली वाली वीडियो डाली थी हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक्स लेवल पर स्टार्ट किया था, उसको बहुत ही फास्ट तरीके से समझाया था, जिससे कि बहुत से बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही थी। तो बहुत से बच्चों को कमेंट आए थे, स्कूल में बच्चों ने भी कहा कि सर प्लीज़ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना दोबारा से बताएं। और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में बेसिकली कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन आते हैं तीन से चार नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल रासायनिक समीकरण लिखना और उसको संतुलित करना वही आता है। इसीलिए मैं स्पेशल दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए और आपके जो तीन से चार नंबर है वो बेकार ना जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन ही आएंगे, वो आएंगे दो या तीन क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, जिस तरह मैंने लिख रखा है, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन तीन चार आएंगे चार नंबर के आसपास, जो कि चार नंबर आपके एकदम फिक्स होने चाहिए, रटे होने चाहिए। रटना कैसे, में रटने की कोई चीज़ नहीं है, आप हम दोबारा से देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जैसे दो क्वेश्चन तो मैंने लिख रखे हैं जिसमें रासायनिक समीकरण के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिख रखा है। तो हम जैसे ये नाम लिखे हुए हैं, रासायनिक नाम लिखे, इन रासायनिक नाम को पहले तो रासायनिक सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको संतुलित करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये रासायनिक नाम दे रखा है, तो पहले हम इसे रासायनिक सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, उसको लिखेंगे कि रासायनिक सूत्र आखिरकार होते कैसे हैं, इनके क्या नाम आएंगे। जैसे बेरियम क्लोराइड है, फिर ये एल्युमिनियम सल्फेट है, इनकी अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो सबसे पहले आपको मैंने टेबल में ये टेबल दिख रहा है, टेबल चार्ट है। इस टेबल चार्ट के अंदर ये तो सारे जैसे संयोजकता, पहली लाइन आ रही संयोजकता वाली, फिर उसके बगल में तत्व हैं, तो ये सारे सारे तत्व हैं, ठीक है। उसके आगे संयोजकता है, तो सबसे पहले हम इनके नाम लिखेंगे, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले यहाँ पर दे रखा है बेरियम क्लोराइड, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बेरियम क्लोराइड का नाम लिखूंगा, तो बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे भाई, मैंने लिख दिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है भाई। सभी के हम पहले नाम लिखेंगे, फिर हमारे साथ है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया करके हमें बनाना बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं कि इनके रासायनिक सूत्र आखिरकार होंगे क्या। यहाँ पे रासायनिक नाम दे रखा, हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। तो आप टेबल में देखो, आपके सामने टेबल है, आपने स्क्रीनशॉट पे ले रखा है, टेबल में पहले देखो कि बेरियम है, बेरियम को लिखते किससे। अभी मैं रासायनिक सूत्र लिख रहा हूँ, जो कि आपको रफ कॉपी में करके यहाँ पे फाइनली सूत्र लिखना है, यहाँ पे फाइनली सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बेरियम क्लोराइड के लिखते हैं, तो बेरियम को किससे लिखते हैं, बी ए से, ठीक है भाई। बेरियम को किससे लिखते हैं, बी ए से। क्लोराइड को किसे लिखेंगे, सी एल से। क्लोराइड मतलब कि क्लोरीन, क्लोरीन किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड कहलाता है, ठीक है। तो क्लोराइड हो गया सी एल से। अब इनके जस्ट नीचे इनकी संयोजकता लिखनी है, जस्ट इनके नीचे संयोजकता लिखनी है। तो इस टेबल में शायद बेरियम की संयोजकता नहीं दे रखी है, बेरियम की संयोजकता मैं बता देता हूँ आपको, दो। तो इनके नीचे बेसिकली इनकी संयोजकता लिखनी है, तो बेरियम की संयोजकता दो, क्लोरीन की संयोजकता एक। भाई आपके सामने चार्ट है, चार्ट के अंदर जो तत्व दे रखे हैं सबसे आगे एक दो और लास्ट में जो तीन दे रखा है, ये सारे की सारी संयोजकता है। तो इनकी संयोजकता के अकॉर्डिंग इनकी जितनी संयोजकता है, एक वाले की एक लिख दो की है तो दो और तीन की है तो तीन। तो बेरियम, बेरियम की संयोजकता मैंने आपको बता दी दो, क्लोरीन की बता दी एक। अब इसके बाद हम इसको कर देते हैं क्रॉस गुना, क्या कर देते हैं क्रॉस गुना। तो बी ए के साथ कितना आ जाएगा वन और सी एल के साथ आ जाएगा टू, मतलब कि बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है बी ए सी एल टू, ये बन गया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है भाई। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट का। तो एल्युमिनियम को किससे लिखते हैं, ए एल से। एल्युमिनियम को किससे लिखते हैं, ए एल से। सल्फेट है, सल्फेट को किससे लिखते हैं, एस ओ फोर से। किससे लिखते हैं, एस ओ फोर से। आगे बात समझे में। अब देखो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, एक। कितनी है, एक। सल्फेट की संयोजकता कितनी है, दो, ठीक है। बट टेबल है, टेबल में सल्फेट सबसे लास्ट में है, देखो वो दूसरे नंबर की संयोजकता क्या आ रही है। तो सल्फेट की संयोजकता एक, एल्युमिनियम की संयोजकता एक, सॉरी सल्फेट की संयोजकता दो, एल्युमिनियम की संयोजकता एक। अब हम इसको क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है भाई। क्रॉस गुना कर दिया, क्रॉस गुना करने के बाद ए एल के साथ दो आ गया, सल्फेट के साथ एक आ गया। इट मीन्स एल्युमिनियम का हो गया ए एल टू, सल्फेट का हो गया एस ओ फोर। ये बन गया मेरा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ये बन गया एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है भाई। बीच में इनके प्लस का निशान है तो मैंने लगा दिया प्लस का निशान। उसके बाद हमारी अभिक्रिया, ये कर दो अभिक्रिया। फिर अब फॉर्मूला बना लो बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का बना लो। तो बेरियम का तो होता है बी ए, बताया था मैंने आपको। सल्फेट का क्या होगा, SO4, अभी हमने लिखा ये रहा,
सल्फेट का लिख दिया मैंने SO4। ठीक है भाई, बेरियम की संयोजकता कितनी है? 2। सल्फेट की संयोजकता कितनी है? 2। ठीक है भाई, अब दोनों की संयोजकता सेम है, दोनों की संयोजकता सेम है, इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितनी बचेगी? 1, मतलब 1 ये हो जाएगा, 1 अगर कॉमन हो जाएंगी संयोजकता इनकी तो हम काट देंगे। ठीक है भाई, तो ये मैंने 2 से दोनों को काट दिया, आते हुए गया 1 और ये भी आ गया 1, मतलब कि बी ए के साथ भी, अब इसके बाद क्रॉस बनाओ, तो बी ए के साथ भी 1 आएगा और एस ओ 4 के साथ भी 1 आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा बेरियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा BaSO4, ये बन गया बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। फिर उसके बाद है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है भाई, तो एल्युमिनियम का फॉर्मूला यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने एल्युमिनियम का फॉर्मूला गलत, एल्युमिनियम की संयोजकता गलत लिखी है, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ फोन से, शायद हमारा पहला वाला भी गलत हो सकता है, Al2SO4 वाला, थोड़ा सा एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, एल्युमिनियम की संयोजकता है भाई 3, तो मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ करी है, यहाँ पे एल्युमिनियम की संयोजकता है 3। ठीक है भाई, एक बार और चेक कर लेता हूँ सल्फेट का भी, तो सल्फेट की संयोजकता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे Al2SO4 और साथ में 3 आ जाएगा, आगे बस समझ में अच्छी तरह से भाई, यहाँ पे हम एक गड़बड़ कर रहे थे, एल्युमिनियम की संयोजकता मेरे को कन्फ्यूजन था, तो अब हम क्लियर हो गए, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। ठीक है भाई, चार्ट में आपको दिख रहा होगा सल्फेट की संयोजकता 2 है, सल्फेट आपको दिख रहा है दूसरी संयोजकता में सबसे लास्ट में SO4, उसके 2- है, देख 2-। ठीक है, तो Al के साथ तो 2 आ गया, 2 सल्फेट के साथ 3 है, तो पूरे के साथ, खाली O4 मत कर देना भाई, O4 3 कर दो, नहीं पूरे को ब्रैकेट में लो फिर उसके साथ 3 कर दो। ठीक है भाई, ये बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। अब इसी तरह आ जाते हैं, हमें बेरियम सल्फेट का लिखना था, बेरियम सल्फेट का लिख चुका हूँ मैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखना है, एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखते हैं, तो एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, एल्युमिनियम की संयोजकता 3, क्लोरीन की संयोजकता 2। ठीक है भाई, क्लोरीन की संयोजकता 2, क्लोरीन C क्लोराइड, इसकी संयोजकता 1। ठीक है भाई, सॉरी क्लोरीन की संयोजकता हो गई हमारी 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना कर लो, अब इसको क्रॉस गुना कर लो, तो इसका बन गया मेरे पास Al के साथ 1 है, तो ये आ जाएगा Al, और Cl के साथ 3 है, तो Cl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये बन गया मेरे पास AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। आगे बात समझ में, अब हम इनको संतुलित करेंगे, अब हम इनको संतुलित करेंगे। ठीक है भाई, आगे अब हम इसको संतुलित करेंगे, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये सारा काम जो मैंने किया है, ये सारा काम अपने को रफ कॉपी में करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें तो बस यहाँ पे रासायनिक नाम चाहिए थे और रासायनिक सूत्र चाहिए थे, जो कि मैं लिख चुका हूँ। ठीक है भाई, अब देखो संतुलित करना, पहले तो हमने रासायनिक समीकरण लिख लिया, अब संतुलित करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संतुलित कैसे, नहीं मतलब असंतुलित कैसे है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि इन सबकी परमाणु संख्या जोड़ लो, दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए, तो Ba के साथ कुछ नहीं मतलब 1, क्लोरीन की हो गई 2। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम की 2 है तो ये आ गई 2, फिर यहाँ पे देखो सल्फर की 1 यहाँ पे लेकिन 3 बाहर है, मतलब जो भी परमाणु है वो उसके साथ, ये सॉरी अणु हो गया, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, मतलब सल्फर की कितनी हो गई 3, सल्फर की हो गई 3, और ऑक्सीजन कितनी हो गई भाई 4, ये रही 3, मतलब 4 × 3 = 12, तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 12। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इधर, बेरियम की 1, सल्फर की 1, भाई सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग है, तो ये मत कहना कि सर SO है इनका पूरा टोटल 4, नहीं S अलग ऑक्सीजन अलग, एक एक तत्व का अलग अलग निकालना है, सिंपल सा, तो S का मैं अलग करता हूँ तो S का 1 हो गया, ऑक्सीजन का करता हूँ तो ऑक्सीजन का 4 हो गया। ठीक है भाई, फिर प्लस आ जाते हैं, एल्युमिनियम के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1, और क्लोरीन के साथ कितनी 3, मतलब 3। आगे बात अच्छी तरह समझ में, अब हम टोटल करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 और 2 3 2 5 3 8 और 12 20, इधर कितनी हो गई 20, और इधर हो गई 1 1 2 और 4 6 7 और 3 10, इधर हो गई 10 और इधर हो गई 20, मतलब कि ये अभिक्रिया है अभिकारक में, मैंने आपको बताया था ना पहले वाले टॉपिक में कि अभिक्रिया के इधर वाली जितनी भी चीजें सबको हम अभिकारक लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभिकारक, और इसके बाद में अभिक्रिया करने के बाद जो भी चीज आती है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है भाई, तो ये हो गए मेरे पास उत्पाद, अब उत्पाद में तो मेरे पास टोटल परमाणु हो गए 10 और अभिकारक में टोटल परमाणु हो गए 20, मतलब कि बैलेंस नहीं है, बैलेंस होगा जब जब तीनों बराबर होंगे, आगे बस सॉरी दोनों बराबर होंगे तो ही ये संतुलित है, नहीं तो संतुलित नहीं है।
अब हम इसको संतुलित करते हैं तो कैसे करें, देखो मैं पहले बेरियम को लेकर चलता हूं। तो बेरियम की परमाणु संख्या एक, हमें एक एक तत्व के परमाणु को बराबर करना है। सिंपल सा तरीका ये कि एक एक तत्व का जो परमाणु है उसकी जो संख्या आएगी वो इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो बेरियम से स्टार्ट करता हूँ, बेरियम के यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी बेरियम का एक है, इस तरह से मैच कर करके फिर चेक करना है। तो बेरियम के यहाँ पे एक हो गए, यहाँ पे भी बेरियम एक हो गया। फिर मैं क्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन के यहाँ पे दो है और उत्पाद में कितनी क्लोरीन, तीन। तो अब मेरे को इसको बराबर करने के लिए भाई यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बोला था जो भी चीज़ हम लेंगे एक्स्ट्रा वो लेंगे अणु, क्या लेंगे अणु, अणु को हमेशा हम आगे लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे आगे, और आगे लिखने के बाद जो भी अणु आता है उसको परमाणु से गुणा करेंगे तो हमारे टोटल परमाणु की संख्या आएगी। भाई मैंने आपको बताया था क्या कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनाए, ठीक है, सपोज एक परमाणु और यहाँ पे चार अणु, एक परमाणु हो गया एक, तो चार अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे, चार परमाणु हो जाएंगे, मतलब कि चार को एक से गुणा करें तो उसी तरह जो भी संख्या लेंगे, जो भी अणु लेंगे सबसे आगे लेंगे और उसको परमाणु से गुणा करेंगे तब हमारे पास टोटल परमाणु की संख्या आ जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बेरियम तो बराबर है, अब हम क्लोरीन देख रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पे दो है और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, तीन। तो इनको बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, भाई तीन है इस क्लोरीन में, यहाँ पे अगर मैं अणु दो ले लूँ, कितना ले लूँ दो, तो दो और इसकी क्लोरीन की परमाणु कितनी है तीन, तो दो तीन छः, मतलब क्लोरीन इधर तो हो जाएगी छः, आगे बस समझ में। अब मेरे को इधर छः करना है तो यहाँ पे क्लोरीन दो, तो यहाँ पे कितने अणु ले लूँ, कमेंट करो कितने अणु लेंगे भाई, तीन, कितने अणु लेंगे तीन, जब तो तीन को दो से गुना करो तो छः हो जाएगा, मतलब क्लोरीन छः इधर हो जाएगा और क्लोरीन इधर भी छः हो जाएगा। बीच में कहीं भी अणु नहीं लेना है, अणु लेंगे जो भी चीज़ लेंगे सबसे आगे लेंगे, आगे बस समझ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अभिकारक में तो मैं तीन अणु ले रहा हूँ, यहाँ पे तीन चाहिए जभी तो छः होगा, और उत्पाद में कितने अणु ले रहे हैं, हम दो अणु ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, अभिकारक में, किस में, अभिकारक में तीन अणु और उत्पाद में दो अणु लेने पर, ठीक है भाई, दो अणु लेंगे, ठीक है भाई। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया था। तो अब लेता हूँ, तो यहाँ पे कितने अणु, यहाँ पे कितने अणु ले रहे हैं हम, तीन, तो आ गया मेरे पास तीन बी ए सी एल टू प्लस ए एल टू एस ओ फोर और इसका तीन, फिर ये अभिक्रिया का निशान हो गया बी ए एस ओ फोर प्लस यहाँ पे कितने अणु ले रहे थे हम, दो, तो दो ए एल सी एल थ्री, ठीक है भाई। अब देखो क्लोरीन छः हो गई, इधर भी क्लोरीन छः हो गई, अब यहाँ पे बेरियम तीन है और यहाँ पे बेरियम कितनी है एक, अब बेरियम को बराबर कर लो। तो अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँ, बेरियम को ले लेता हूँ, किसको ले लेते हैं, बेरियम को, तो यहाँ पे कितनी है तीन और यहाँ पे कितने हैं एक, तो इसको एक को तीन करना है तो कितने अणु लेंगे हम, तीन, जब भी तो तीन को इसकी जो एक परमाणु है अगर यहाँ पे तीन अणु ले लेते हैं उसको एक गुणा कर देते हैं तो तीन एकम तीन, जब भी तो हम तीन बी ए लेंगे तो हमारे पास ये बेरियम तीन और इधर भी तीन बेरियम हो जाएगा, आगे बस समझो। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप टू, उसमें हमें उत्पाद में लेना है केवल, इधर तो कहीं कुछ ले नहीं रहे क्योंकि अब हमने क्लोरीन को बराबर कर दिया, बेरियम को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, तीन उत्पाद में तीन अणु ले लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे उत्पाद में तीन अणु लेने पर, ठीक है भाई। तो बाकी चीज़ ऐसी कैसी लिख दूँ भाई, जैसे हम मैथ में करते हैं, बाकी चीज़ हमारे ऐसे कि ऐसी ए एल टू एस ओ फोर का थ्री, यहाँ पे हम ले लेते तीन अणु ले लिया मैंने बी ए एस ओ फोर प्लस टू एलमोनियम सी एल थ्री, ठीक है भाई। अब दोबारा चेक कर लो, अब दोबारा चेक कर लो, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे बेरियम यहाँ पे कितने हो गए, परमाणु एक अणु तीन, तो तीन एकम तीन करते तो तीन एकम तीन, बेरियम तीन हो गई, इधर भी बेरियम तीन हो गई, क्लोरीन इधर दो ये रही तीन ये, तो दो को तीन से गुणा कर छः, इधर भी हो गया छः। अब हम रहते हैं एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम कितनी यहाँ पे दो और यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितनी, यहाँ पे एल्युमिनियम का परमाणु एक है लेकिन साथ में अणु कितनी है दो, तो दो को एक से गुना कर दिया तो एल्युमिनियम भी हो गया हमारे पास दो, एल्युमिनियम बराबर हो गया। सल्फर देख लो, सल्फर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे एक है बाहर तीन है तो तीन एकम तीन, और यहाँ पे कितनी है, सल्फर यहाँ पे एक है और आगे तीन है अणु, तो तीन को एक से गुना कर दो तीन एकम तीन, मतलब सल्फर भी बराबर हो गई। ऑक्सीजन देखो चार है
चार और तीन चार तिया बार, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन चार तिया बार। अब हमारे यहाँ के समीकरण संतुलित होता है। आप दोबारा यहाँ पे चेक कर लो, बेरियम कितनी यहाँ पे तीन, एक गुणा तीन कर दिया, क्लोरीन दो है और तीन आ गया तो दो तिया छः, प्लस एल्यूमिनियम कितनी हो गई दो, सल्फर कितनी हो गई एक है, बाहर कितनी तीन तो तीन एकम तीन, ऑक्सीजन चार और तीन है तो चार तिया बारह, बेरियम यहाँ पे तीन है तीन तीन, यहाँ पे सल्फर एक है तो एक को तीन से गुना कर दिया तो तीन, तो यहाँ पे आ जाएगा तीन, ऑक्सीजन चार ये रहा तीन है चार तिया बारह, प्लस है प्लस, एल्युमिनियम यहाँ पे एक है इसके साथ दो गुना हो रहा तो दो एकम दो, और क्लोरीन यहाँ पे तीन है आगे दो तो दो तिया छः, चेक कर लो तीन और छः नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और तीन चौदह, चौदह और बारह छब्बीस, इधर देख लो तीन और तीन नौ, नौ और बारह इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, तेईस और छः उनतीस, भाई कैसा एक्स्ट्रा हो गया, दोबारा चेक करो छः तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह और तीन चौदह, चौदह और बारह कितना हो गया छब्बीस, और यहाँ पे चेक कर लो तीन तीन छः और बारह अठारह, अठारह दो बीस, बीस और छः छब्बीस, मतलब इधर भी छब्बीस हो गया और इधर भी छब्बीस। अब ये मेरी जो समीकरण फाइनली आई ये मेरी समीकरण संतुलित है। आगे बात समझ में, अच्छी तरह से कन्फर्म कमेंट में करो क्लियर, ठीक है भाई। तो ये मैंने एक आपको समझा दिया जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम अब मैं क्या करूँगा, ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन मैंने किया, ये आपको करना है, ठीक है भाई, ये आपको करना है, साथ में पांचवा छठा सातवां आठवें क्वेश्चंस भी करने हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आयरन, यहाँ पे जल, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये CH6H12O6 फिर O2 फिर CO2 फिर H2, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, तो ये मैं कर देता हूँ, फिर ये आप लोगों को करना होगा, ठीक है भाई। और ये फिर आपके लिए क्वेश्चन है जो कर रहे हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। सोडियम, सोडियम को किससे लिखते हैं Na से, ठीक है, तो इसके सूत्र बनाने की जरूरत नहीं। जल का सूत्र हमें पता ही है H2O, फिर अभिक्रिया का निशान लगाओगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को किससे लिखते हैं Na से, हाइड्रोक्साइड को किससे लिखते हैं OH से, किससे लिखते हैं OH से, और हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं H2, हाइड्रोजन ध्यान रखना H मत लिखना, H2, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं आएगा, अकेला आता है उसके साथ दो परमाणु साथ में रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये ऐसे तत्व हैं जो कभी भी अकेले नहीं आते, इनके साथ दो परमाणु आते ही आते हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये आपको करना है, ठीक है भाई। अच्छे तरह से समझ में आ गया, कमेंट करो क्लियर, फिर हम चलते हैं आगे। जिस तरह से इसी तरह बाकी क्वेश्चन है, पाँचवा छठा सातवां भी, जिस तरह से मैंने एक एक उसके सूत्र बनाए हैं, सूत्र कैसे बनाए आपने देखा, नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करो पीछे जाओ, सूत्र बना दिया उसी तरह इसका सूत्र बना, इसी तरह हमने सबके सूत्र बना दिया, फिर उसको अभिक्रिया में रखा, फिर उसको संतुलित चेक किया कि संतुलित है या नहीं है। अब हमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सीधे समीकरण दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा इसको संतुलित है या नहीं है, नहीं है तो इसको संतुलित करो, तो हम चेक करेंगे इसको, इतने में वीडियो को पॉज कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है भाई। मैंने मिटा दिया है, ये मैंने क्वेश्चन कर दिया, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन है अच्छी तरह से, इसके मैं सिंपल सा बता भी चुका हूँ आपको कि सोडियम को किससे लिखेंगे Na से, सोडियम अकेला Na ही आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस लगाओ, जल है, जल का फॉर्मूला क्या हो गया H2O, फिर अभिक्रिया का निशान है, अभिक्रिया का निशान, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम की जगह Na लिखोगे, हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं तो OH लिखोगे, ठीक है। फिर मैं आपको टेबल में बता चुका हूँ सोडियम की संयोजकता एक और हाइड्रोक्साइड की भी एक, तो एक से एक क्रॉस हो गया तो सीधा सा क्या आ जाएगा इसका NaOH, ठीक है भाई। फिर प्लस है, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2, क्या होता है H2, मैंने होता तो H है लेकिन मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं आएगा। फिर इसको चेक करना है कि भाई संतुलित है या नहीं है, तो यहीं से चेक कर लो एक बार, सोडियम के यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी सोडियम का कितना है एक परमाणु, भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो सोडियम का परमाणु एक, यहाँ पे भी सोडियम का परमाणु एक, हाइड्रोजन की परमाणु दो, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितनी है दो, ये रही और एक ये रही, इस तरह अलग अलग जोड़ के भी इकट्ठा करके देखना है भाई, ठीक है ना। हाइड्रोजन का दो है और यहाँ पे कितने परमाणु एक, तो तीन, दो एक परमाणु ये और एक परमाणु, तो कितनी परमाणु हो गई तीन, मतलब हाइड्रोजन की परमाणु तीन हो गई, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इसी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है भाई। वो आप लोग करोगे, मेरे को स्कूल में चेक करवाओगे। अब हमारे ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास C6H12O6, फिर हमारा आ गया ऑक्सीजन, इसके साथ आ गया CO2 और ये आ गया H2O, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमें कभी कभी समीकरण दे देते हैं, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है,
ठीक है भाई। तो संतुलित करने से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए असंतुलित कैसे है, चेक करेंगे भाई कार्बन की कैपेसिटी डेटा कितनी हो गई, परमाणु 6, हाइड्रोजन की 12, फिर ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2, इधर चेक कर लो यहाँ पे सी है, तो सी का मतलब कार्बन, कार्बन एक हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो इधर देखो 6 और 12 18 18 और 6 24 24 और 2 26, इधर तो टोटल परमाणु कितने हो गए 26, यहाँ पे देखो 1 और 2 3 3 2 5 5 और 1 6, इधर हो रहे 6 के 6। अब हमें इनकी संयोजक परमाणुओं की संख्याओं को बराबर करना है, कैसे देखो यहाँ पे कार्बन कितनी है 6, यहाँ पे कार्बन कितनी है 1, तो हम पहले कार्बन को ही बराबर कर लेते, तो कार्बन मेरे को उत्पाद में कितनी लेनी है 6, कितनी लेनी है 6, तो आप लिखोगे स्टेप फर्स्ट उत्पाद में कितने अणु ले रहे हैं, अणु लेंगे हम 6, तो यहाँ पे लिखोगे उत्पाद में 6 अणु लेने पर, ठीक है भाई 6 अणु लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं स्टेप वन, तो ये होगा C6H12O6O2, अभिक्रिया का निशान 6CO2 प्लस H2O, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे कार्बन 6 हो गई, कार्बन 6 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 12, देखो 2 तो ये रही और 6 अणु आगे हैं, तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन हो गई मेरे पास 12 इधर हो गई और 1 ये रही, मतलब 13 ऑक्सीजन हो गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास 6 है और यहाँ पे कितनी है 2, मतलब कि 6 और 2 8 हो गई। तो अब मैं ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करूँ तो भाई इधर तो 6 अणु लिए ही हैं, अब तो इसको दोबारा इसके आगे और कोई अणु ले नहीं सकते, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है 6 और 2 8, तो यहाँ पे ऐसा मैं क्या करूँ कि 8 हो जाए, क्या करूं जो 8 हो जाए। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तो है ही ऑलरेडी मेरे पास, मतलब कि मेरे पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी और चाहिए 6 और चाहिए, मात्र कितनी चाहिए 6 और चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर मैं 6 अणु ले लूँ तो 6 कम 6 तो ये हो गई और दी हो 2 ये हो गई, मतलब कि 8 अणु मेरे पास हो जाएंगे, 8 परमाणु। तो अब यहाँ पे उत्पाद में कितने अणु लेंगे 6, तो स्टेप सेकंड लिख लेना कि उत्पाद, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा, उत्पाद में 6 अणु लेने पर, ठीक है भाई 6 अणु लेने पर। उसके बाद ये एज इट इज C6, ये मेरी स्पेस भर गया, स्पेस थोड़ा सा खाली कर देता हूँ, हो गया मेरी स्पेस खाली। अब देखो यहाँ पे C6 हो गया, H12 हमने इधर कुछ छेड़ा ही नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 प्लस है, प्लस O2 है, O2 फिर एरो है, एरो 6CO2 है, ये तो हमारे कुछ कर ही नहीं रहे 6CO2, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हमें 6 अणु नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 2 परमाणु ये रहे और 6 अणु आगे है, मतलब 6 दूनी 12 और यहाँ पे 1 है, तो 12 और 1 13 है हो रहे हैं ऑक्सीजन मेरे पास 13 हो रहे हैं, और इधर मेरे पास ऑक्सीजन हो रहा 6 और ये 2 8, इधर ऑक्सीजन हो रहे 8, तो मेरे को यहाँ पे 6 दूनी 12 और 1 ये 13 हो रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं ले सकते, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो मेरे पास 8 है ही ऑलरेडी, 6 ये रही 2 ये रही 8, अब मैं इधर जाता हूँ तो 6 दूनी 12 12 और 1 13, तो अगर मैं इधर कुछ लगाऊं तो भी बात बन नहीं रही, इधर कुछ छेड़ूं तो ऑक्सीजन में कुछ भी बात बन नहीं रही, तो हम पहले से कहते हैं हाइड्रोजन को बराबर कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 2, तो हम 6 ले ही लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे बढ़ा लेंगे, 6 ले लूँगा यहाँ पे 6 अणु लेते ही, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो मैं यहाँ पे 6 ही ले लेते हैं, ले तो ऑक्सीजन के लिए लेते हैं लेकिन हाइड्रोजन को भी उतनी की जरूरत है जिससे कि वो भी कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया मेरे पास 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12, तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 1 परमाणु, तो 6 कम 6 ही रही और 2 6 12, 12 और 6 18 हो गई, कितनी हो गई 18, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितनी है 6 और 2 8, कितनी है
8। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 अणु और ले लेते हैं, जिससे कि 6 × 2 = 12 हो जाएगा ये, और ये कितना है 6, तो 12 और 6 = 18, तो ऑक्सीजन भी मेरे पास पूरी पूरी मात्रा में हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप समीकरण को संतुलित करके देखते हैं, तो एक एक तत्व के एक एक परमाणु को चेक करेंगे कि संतुलित हुई या नहीं हुई। एक एक परमाणु का, एक एक तत्व का एक एक परमाणु इक्वल होना चाहिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया तो था ऑक्सीजन के चक्कर में, लेकिन यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन तो 1 हो रही है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 तो है ही, और 6 × 12 इधर 13 हो रही है, लेकिन यहाँ से बात बन नहीं रही थी, यहाँ पे 8 ही थी। तो हम ऐसा क्या करते थे, इससे बढ़िया हमने पहले हाइड्रोजन को ही बराबर कर लिया। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 2 है, तो मैंने 6 अणु ले लिए, यहाँ पे 6 अणु ले लिए, अभी हो गया मेरे पास 6 × 12, और इधर भी हो गया मेरे पास 12। अब मेरे पास इधर की तरफ तो ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन बराबर, कार्बन बराबर, कार्बन 6, ऑक्सीजन 12, सॉरी हाइड्रोजन 12, इधर भी 12। अब मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ये रही और 6 रही, 8 इधर है, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 6, भाई एक परमाणु 6 से गुणा करते 6 × 6 और 6 × 12, तो 12 × 6 = 18 इधर हो गई। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 6 अणु और ले लेते हैं, जिससे कि 6 × 12 तो ये हो जाएगी और 6 है तो 18 हो जाएगी मेरे पास, सिंपल सा, ठीक है भाई। तो अब हम ले लेंगे स्टेप थ्री। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है। अब यहाँ पे अभिकारक में ले रहे हैं, पहले मैं उत्पाद में ले रहा था तो मैंने उत्पाद लिखा हर जगह, अब मैं अभिकारक में कितने अणु ले रहे हैं, 6, तो यहाँ पे हम अभिकारक लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, अभिकारक में 6 अणु लेने पर, ठीक है भाई, 6 अणु ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास सी, सी को मैं बार बार 6 बना देता हूँ, H12O6 प्लस है प्लस, यहाँ पे मैं 6 अणु ले लेता हूँ, तो 6O2 अभिक्रिया का निशान है, अभिक्रिया का निशान 6, बाकी तो हम कुछ छेड़ ही नहीं रहे, CO2 O को थोड़ा सा बड़ा प्लस 6H2O, ठीक है भाई। अब एक बार दोबारा चेक कर लो कि हर तत्व के प्रत्येक परमाणु इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे देखो कार्बन कितनी है, 6, इधर कितनी है कार्बन, इसकी परमाणु 1 है, अणु 6 है, तो 6 × 6 कार्बन बराबर हो गए। हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 12, और यहाँ पे ये रही 2 और 6 अणु आ गए, तो 6 × 12 हाइड्रोजन भी बराबर। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और 6 × 12, तो 12 और 6 कितनी होगी ऑक्सीजन, यहाँ पे 18, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन चेक कर लो भाई, 6 अणु ये रे, 2 परमाणु ये, तो 6 × 12 तो ये हो गई, और 1 परमाणु ये रे, 6 अणु ये रे, तो 6 × 6 तो 12 और 6 = 18। अब हमारे पास जाके समीकरण अच्छी तरह से संतुलित हो गया। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज करो, दोबारा से जाके समझो, और फिर ये आपको खुद करना है, ठीक है भाई। अच्छी तरह से समझ गए, कमेंट करो क्लियर, और फिर उसके बाद स्कूल में 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th क्लास सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, स्कूल में मेरे को एक एक क्वेश्चन चाहिए कल, कंप्लीट के कंप्लीट, कोई बहाना नहीं चाहिए कि सर मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मैं डांस नहीं कर पाया, फलाना नहीं कर, कुछ भी ऐसा एक्सक्यूज मत देना प्लीज़। आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए बहाना नहीं, काम पे फोकस करो, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको जरूर जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आपको रेगुलर लाइफ से रिलेटेड जितने भी लाइफ के इक्वेशंस है, बिजनेस है, कैसे कैसे हम आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं भाई, हम तो हमारी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो नॉलेज है, हमारे अंदर जो दिमाग, उसकी भी तो ग्रोथ जरूरी है, उसकी भी इंप्लीमेंट जरूरी है। तो उसके लिए वहाँ पे जितनी भी क्वेरीज है, जितनी भी वीडियोज डालता हूँ मैं, वहाँ पे सभी की सभी वीडियोज अपने ऊपर इंप्रूवमेंट के लिए ही डालते हैं, और बुक से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो प्लीज़ उस चैनल को जाके विजिट करो, लिंक में उस चैनल के आईडी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो और जाके विजिट करो, उसको सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।